एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, मतलब मैंने कुछ शॉपिंग की थी किचन के सामान की, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से लेना था लेकिन नहीं ले पा रही थी। तो अभी मैं मार्केट गई थी कुछ और काम से, तो लगे हाथ वो सामान भी मैंने ले लिया है। तो चलिए मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ और कितने का मैंने लिया है वो सामान। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिया है एक ये कद्दूकस, जो कि मुझे बहुत टाइम से लेना था, क्योंकि हमारे घर पर जो है वो ऐसे मतलब चार पाए होते हैं ना जिसके, तो ऐसे मतलब फ्लोर पे रख के या बर्तन पे रख के घिसने वाला, वो वाला है। लेकिन मुझे इस तरह से घिसने की आदत है, तो इसलिए मैंने ये वाला कद्दूकस लिया है। और ये हमको मिला है आई थिंक 80 रुपीज का है। एक ये लिया है मैंने, और एक लिया है ये पोटैटो मैशर, क्योंकि मेरे बेटे की जो मतलब सेमी सॉलिड जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो अब वो क्या है 8 मंथ का हो जाएगा, तो मैं उसको ना प्यूरी फॉर्म देना बंद करूंगी, उसको ना मैं मैश फॉर्म में खाना देना शुरू करूंगी, जिसके लिए कि मुझे इस मैशर की बहुत नीड थी। तो ये ले लिया है, पहले भी था मेरे पास, तो उसमें क्या ऊपर ना लकड़ी थी, तो जैसे यूज करते करते ना वो लकड़ी खराब हो गई या फिर वो टूट गया ऊपर से, तो फिर वो पकड़ नहीं पाते थे, तो फिर वो फेंक दिया। उसके बाद फिर मैंने ये ले लिया है, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, और ये है 89 रुपीज का। और एक ये छोटा सा ऐसे बॉक्स मेरे हस्बैंड ने ले लिया था, अच्छा ये भी एयर टाइट, काम आई जाती हैं इस टाइप की चीज़ें, घर में होती हैं तो लंच बॉक्स में या कुछ भी स्टोर करने के लिए यूज़ हो जाती हैं, तो एक ये ले लिया था। ये है 49 रुपीज का। और एक हमने लिया है ये सिंक ट्रैपर, ये बहुत अच्छा होता है गाइस, मतलब सिंक में जो सिंक वाली जाली होती है उससे तो फिर भी ना कचरा चला जाता है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इससे ना बिल्कुल महीन वाला कचरा भी ना ऊपर ही रहता है। तो ये दो का कॉम्बो सेट था, एक हम ना लगा चुके हैं, इस सामान को लाए हुए मुझे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन वीडियो आज बन पा रही है। तो एक तो ना हमने सिंक में लगा दिया है, एक है अभी हमारे पास, और ये थी मतलब 1 buy 1 get 1 100 रुपीज में 2, तो एक हमने ये ले लिया था। और एक मैंने लिया था ये चॉपर बोर्ड, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। एक बार मेरे हस्बैंड भी लेके आए थे, बट वो ना वुडन वाला लेके आए थे, जिसपे जब मैंने चॉपिंग की ना तो उसमें से छोटी छोटी स्टिक्स मतलब वो छिलके से ना उसके निकलने लग गए थे, तो एक दो बार ही यूज़ किया, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था, तो वो ऐसे ही मतलब वेस्ट हो गया हमारा। उसके बाद अब मैं ये वाला लेके आई हूँ, और ये किस चीज़ का बना भाई, फाइबर, ये मतलब प्लास्टिक टाइप का है ये, बट अच्छा है, इस वजह से मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, यूज करूंगी बाकी तब पता चलेगा। और ये हमें कितने का मिला है, इस पे तो टैग भी नहीं है, 100 रुपीज का आई थिंक। तो ये ले लिया है, जब यूज करूंगी तो देखती हूँ कैसा है, जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी, क्योंकि विंटर्स में ना ग्रीन वेजिटेबल्स काटने के लिए चॉपर मुझे बहुत काम आता है। वैसे नॉर्मल सब्जियां तो मैं हाथ में लेके काट लेती हूँ, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए मुझे चॉपर की नीड होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको बहुत टाइम से लेनी थी, वो है ये लोहे की कढ़ाई। तो एक कढ़ाई हमारे पास बड़ी ऑलरेडी है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसको जैसे पूरी कचौड़ी वगैरह के लिए नहीं ले सकते, और जैसे ये थोड़ी डीप है ना, ये देखिए, तो वो थोड़ी फैली हुई है, तो पूरी कचौड़ी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं देती है। तो इसलिए मैंने मीडियम साइज़ की और डीप वाली कढ़ाई ली है, जिसमें हमारी फैमिली की सब्जी भी आराम से बन सकती है, पूरी कचौरी जो भी हम कर सकते हैं वो इसमें यूज कर सकते हैं। और लोहे की कढ़ाई वैसे भी बहुत हेल्दी होती है, मतलब ये कहते हैं कि इसमें पकाया हुआ खाना काफ़ी हेल्दी रहता है, जिनको खून की कमी हो तो आयरन मिलता है इससे, तो इसलिए मैंने ये कढ़ाई ली है, इसकी मुझे बहुत नीड थी। और ये हमको मिली है 250 रुपीज की, बहुत हैवी है उठाने में, अच्छी है। बाकी अभी जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी उसके बाद देखती हूँ कि ये कैसी निकलेगी, कैसा इसका रिजल्ट रहता है, बाकी अभी तो ये बहुत अच्छी लग रही है। तो बस ये है मेरी एक छोटी सी शॉपिंग जो मैंने की थी अपने किचन के सामान की। तो आपको मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय।